और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है, 9 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं, सुबह 11 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण। पहले 8 जून को शपथ ग्रहण की खबर थी। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राममोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश थे। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं शपथ। पहले 8 तारीख का जिक्र था, लेकिन अब खबर आ रही है कि सुबह 11 बजे 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। जहाँ तक मैं तो पर्सनली अटेंड नहीं किया, पर हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी उस मीटिंग में थे और इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश, सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है, तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेयरिंग इन सेरेमनी रहेगा। और अपडेट के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ सहयोगी विनीत कुमार हैं। विनीत, पहले 8 जून के लिए कहा जा रहा था शपथ ग्रहण हो सकता है, अब 9 जून, और टीडीपी नेता कह रहे हैं कि सभी बहुत खुश हैं, मैसेज देने की कोशिश। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब यह बात आ रही है कि साफ हो गया है कि 9 जून को जो है वो शपथ ग्रहण होगा, अब साफ तौर पर जिसमें टीडीपी की भी सहभागिता होगी, जो अन्य में जेडीयू की भी सहभागिता होगी। तो जिस तरह की फॉर्मूले की बात में लगातार की जा रही थी, वो फॉर्मूला पर लगातार काम चल रहा है और मोटे तौर पर उस पर सहमति हो गई है। आज तक कल हमने देखा कि कल बीजेपी की ओर से भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें भी साफ तौर पर कहा गया था कि एनडीए की कल जो नेताओं की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन जो है वो जताया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब तीसरी बार जो शपथ लेंगे वो अब तारीख जो है वो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विभागों का बंटवारे की बात हो रही है, विभागों के बंटवारे को लेकर के यहाँ पर जो बैठक चल रही है उसमें कुछ और भी लोगों को, पहले जो बैठक हो रही थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, वहां पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएल संतोषी मौजूद थे, लेकिन अब तरुण चुग को भी बुला लिया गया है, विनोद साबड़े को भी बुला लिया गया है, मनसुख मांडविया को भी बुला लिया गया है, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उन्हें भी बुला लिया गया है। तो अब जो बैठक यहाँ पर है, मंथन जो है वो आखिरी दौर में बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद क्या निकलता है आप उस पर नजर बना के रखे। विनीत, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।